हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, यूजीसी नेट का एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है और 20 तारीख से पेपर स्टार्ट हैं और धीरे धीरे सभी के पेपर होते जाएंगे। तो आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर ली होगी और बहुत अच्छी वाली तैयारी होगी, ठीक है। अब जो हमारी ये 6 महीने की, 1 साल भर की, 2 महीने की जो भी हमारी ये जो मेहनत है, ये डिपेंड करेगी कि जो पेपर टाइम में 3 घंटे हैं उसमें हम किस तरीके से परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। जो हमारा पेपर टाइम का जो 3 घंटे का टाइम रहेगा उसमें हम किस तरीके से परफॉर्मेंस देंगे, हम किस तरीके से उस टाइम रिप्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो वो 3 घंटे का टाइम है उसको हम किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से हैंडल करें कि पूरा पूरा हमारा पेपर बिल्कुल गजब तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। पेपर में सबसे बड़ी समस्या यही आती है, मैंने बहुत सारे कैंडिडेटों से सुना है ये कि सर फर्स्ट पेपर में टाइम नहीं मिल पाता, हमारे टाइम ना मिल पाने की वजह से हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि सर क्वेश्चन आता था लेकिन गलत हो गया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊं आपको एक बात, तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि जो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन आपको आता है कोशिश करना कि वो क्वेश्चन आपका किसी भी हाल में गलत ना हो, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में गलत मत कर देना, क्योंकि हम जब पेपर देके बाहर निकलते हैं ना, फिर होता है ओ यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था लेकिन गलत हो गया, और उस क्वेश्चन की वजह से कई बार आपका जीआरएफ या कई बार आपका नेट रुक जाता है। तो कोशिश करना पूरी पूरी कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं उनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही होता है कि उनको जो क्वेश्चन आता है वो उसको किसी भी हाल में गलत नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आता है उसको भी जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दी सोल्व करने के चक्कर में ऐसे हम कुछ गलत कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं दूसरा बात बता रहा हूं कि जब भी आप पेपर दो ना, पेपर से साढ़े मतलब 9 बजे से पेपर है, 8:20 से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बात 8:30 तक एंट्री रहेगी, उसके बाद आधा घंटा बचेगा हमारे पास, ठीक है, और वो आधा घंटा ऐसा रहेगा जो बिल्कुल आप फ्री बैठे रहोगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, जब आप पेपर देने के लिए जाओ तो आप किसी भी तरीके का वैसा टेंशन मत लेके जाना, कोई भी फैमिली टेंशन, इकोनॉमी टेंशन, कोई भी टेंशन हो उसको सेंटर से बाहर छोड़ के चले जाना। पेपर सेंटर के जब आप क्लासरूम में बैठे रहो उस टाइम बिल्कुल आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, दिमाग बिल्कुल चित होना चाहिए, मतलब हम बोल सकते हैं मन का चित होना, मतलब आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पेपर सेंटर में बैठे हो कभी कहाँ के विचार आ रहे हैं, कभी कहाँ के विचार आ रहे हैं, और जो पेपर से आधा घंटे का पहले का टाइम है उसको जब आप फ्री बैठे रहोगे 8:30 से 9 बजे के बीच में, उसको एक सही ढंग से यूटिलाइज करो। आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा सिर लगा के और सो जाना चाहिए तो आप सो सकते हो उसमें, लेकिन ऐसे नहीं है कि कुछ लोगों को सोने के बाद में फिर उनका दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आप किसी भी तरीके से रहो उस आधा घंटे में, लेकिन माइंड आपका बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए पूरे पेपर के दौरान, ठीक है। माइंड में कोई किसी तरीके का अदर विचार नहीं आना चाहिए, केवल पेपर पर फोकस होना चाहिए, और उस टाइम ये भी टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरा पेपर सही होगा या नहीं होगा, पेपर के संबंध में अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बस उस टाइम तो आपको ये सोचना है कि मैं अपना बेस्ट करके जाऊंगा। यहां क्या सोचना है, मैं अपना बेस्ट करके जाऊंगा। देखो, युद्ध लड़ने से पहले बहुत गजब तरीके से युद्ध की तैयारी करो कि हमें हर हाल में युद्ध जीतना है। जब आप युद्ध लड़ रहे हो तो उस टाइम आपका केवल फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, युद्ध जीतने पर। आपके मन में विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैं युद्ध हार गया तो क्या होगा, नहीं, केवल यह होना चाहिए कि मैं 100% युद्ध जीतूंगा। मैं किस तरीके से युद्ध लड़ूं कि मैं युद्ध 100% जीत जाऊं, मैं कोई ऐसी गलती ना करूं जिसकी वजह से मैं युद्ध हार जाऊं। हमें भी वो 3 घंटे में केवल यही सोचना है कि मेरे से कोई पेपर में ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मेरा जीआरएफ रुक जाए, और केवल पेपर पर फोकस रखना है, ठीक है, मन को बिल्कुल शांत रखना है, कोई आउटसाइड की बातें दिमाग में नहीं चलानी है और बिल्कुल माइंड फ्रेश रखना है। सबसे बेस्ट बात बताऊं, यदि आप माइंड फ्रेश रखना चाहते हो पानी की बोतल साथ लेके जाना आप। मैं मेरी यदि पर्सनली तरीके से मैं गाइड करूं आपको तो पानी की बोतल लेके जाना, और आपको पानी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं पीना है, छोटी छोटी बिट लो, मतलब छोटी छोटी घूंट लो, समथिंग जैसे थोड़ा थोड़ा, ये समझो आप 50 ml पानी एक साथ,
पियो, फिर थोड़ी देर बाद फिर 50 ml पी लिया, फिर 50 ml पी लिया, तो उससे क्या हो, टॉयलेट की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका माइंड भी शांत फ्रेश होता रहेगा। पानी क्या करता है, हमारे माइंड को फ्रेश करने का काम करता है, तो पानी की बोतल साथ लेके जाओ। मैं तो मेरी तरफ से ये पर्सनली गाइड करूंगा आपको, ट्रांसपेरेंसी वाटर बोतल अलाउ है तो वो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। और पानी की बोतल भर के रख लो, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पियो, जिससे कि आपको बार बार टॉयलेट जाने के लिए ना दिक्कत उठानी पड़े या बार बार आपको टॉयलेट ना जाना पड़े, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन तो किसी भी हाल में गलत नहीं करना है जो आपको आता है। अब यहां पर मैं बताता हूं कि पेपर सोल हम किस तरीके से करें। देखो आपके पास टोटल टाइम रहेगा 3 घंटे का, हम बोल सकते हैं 180 मिनट रहेंगे आपके पास, ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। और यहां पर आपको पता है कि टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के, 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर के, ये आपके पास टोटल 150 क्वेश्चन। ऑनलाइन पेपर है, पूरा पूरा पेपर आपके पास एक साथ आ जाएगा, फिक्स 9 बजे। मैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट की बात करके चल रहा हूं, जो सेकंड शिफ्ट है उसमें भी उस टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब 150 क्वेश्चन आपके पास एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप 150 से उल्टे चलते हो या सुलटे चलते हो, मतलब ये समझो कि आपको जैसे पेपर स्टार्ट होगा तुरंत आपके सामने 150 क्वेश्चन आ जाएंगे। आप जहां से स्टार्ट करो, चाहे आप 91वें क्वेश्चन से स्टार्ट करो, चाहे 76वें क्वेश्चन से स्टार्ट करो, चाहे 100वें क्वेश्चन से स्टार्ट करो, चाहे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ठीक है। तो यहां पर पेपर सोल्व करने का 2 ऑप्शन आते हैं हमारे पास। या तो पहला ऑप्शन आता है, देखो कोई भी पेपर आप सोल्व करो ना, वो भी मैं आगे बताऊंगा, या तो पहला ऑप्शन आता है 150 क्वेश्चनों का स्लॉट, या दूसरा ऑप्शन आता है आपको 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चनों का स्लॉट। अब आप बोलोगे सर 150 क्वेश्चनों का स्लॉट, 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चनों का स्लॉट, ये कैसे? देखो कुछ लोग पेपर में क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल लास्ट 150 तक चले जाते हैं, ऐसे कैसे सीक्वेंस में, ठीक है। हर पेपर 2 राउंडों में सोल्व होता है, ठीक है। आप भी पेपर को 2 राउंडों में सोल्व करने की कोशिश करना। पहला राउंड वो जिसमें जो क्वेश्चन आपको 100% आता है उसको अटेम्प्ट करो, दूसरा राउंड वो जिसमें आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि यहां पर हमें सारे सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो पहला राउंड तो वो लगाओ जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, ठीक है। दूसरा राउंड वो लगाओ जिन क्वेश्चनों में आपको तुक्का लगाना है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन बच जाता है जिन क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज हो, जिनका आंसर उस टाइम याद नहीं आ रहा है, आप ऐसी सिचुएशन हो यार पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा, तो जिन क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज रहते हो उन क्वेश्चनों को जो आपको खाली पेज मिलेगा उसके ऊपर क्वेश्चन संख्या डाल दो। सपोज दैट आप 45वें क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, देखो मैं बता दूं आपको, पेपर में आपको कुछ इस तरीके से एक पेज मिलेगा आपको, यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बना दो इस तरीके से, ठीक है। मैं बना के दिखा देता हूं, यहां पर कुछ इस तरीके से बॉक्स बना दो और यहां पर जिन जिन क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज हो, जैसे पहला राउंड सोल्व करोगे तो पहला राउंड में आप जिन जिन क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो उन क्वेश्चनों का नंबर डालते जाओ यहां पर, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं उनको तुरंत सोल्व करते जाओ। तो या तो आप 100 से पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करके और 150 क्वेश्चन तक जाओ, पहला राउंड ऐसे कंप्लीट करो, फिर उसके बाद दूसरा राउंड चालू करो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है कि पहले मैं पहला पेपर कंप्लीट करूं उसके बाद मैं दूसरा पेपर कंप्लीट करूं, ठीक है। तो यदि मेरी पर्सनल राय मानो तो आप पेपर को इस वे में सोल्व करो, पहले आप पहला पेपर कंप्लीट करो फिर उसके बाद आप सेकंड पेपर कंप्लीट करो, ठीक है। आपके पास टोटल 180 मिनट का टाइम है। सब्जेक्ट का पेपर हमारा बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग टाइप का नहीं आता, जो सब्जेक्ट का पेपर आता है वो फैक्चुअल टाइप का आता है, वहां पर एक क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता। फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर के वो एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यदि हम एक क्वेश्चन का टाइम निकाल के चलते हैं तो फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, बल्कि जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन को सोल्व करने में कम टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है उसका क्वेश्चन भी लेंथी होता है, अंडरस्टैंडिंग टाइप का होता है, यहां पर सारे फैक्चुअल टाइप के होते हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल टाइप के होते हैं, जो हमारा ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सभी का स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहां पर हम थोड़ा वैसे भी टाइम बचा लेते हैं। ये सभी का बहुत गजब तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए यहां पर हमें समस्या आती है टाइमिंग की। तो मेरे हिसाब से यदि आप पेपर देते हो तो आप पेपर को इस तरीके से सोल्व करो, ठीक है, कि हमें पहले पहला पेपर कंप्लीट करना है उसके बाद हमें सेकंड पेपर कंप्लीट करना है। आपके पास टोटल 180 मिनट है, इसको आप डिवाइड कर दो कि मेरे को फर्स्ट पेपर के लिए तो देनी है 80 मिनट का टाइम
और सेकंड पेपर को देना है मेरे को 100 मिनट का टाइम, ठीक है। मैं ऐसे सोल्व करता था पेपर, और मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है ये रेशियो कि आप फर्स्ट पेपर को तो 80 मिनट का टाइम दो और सेकंड पेपर को 100 मिनट का टाइम दो। किसी को लग रहा है कि यार यहां पर ये टाइम ज्यादा है, यहां पर ये टाइम कम है, थोड़ा कम कर लो, इसको 75 मिनट का टाइम दे दो, इसको 105 मिनट का टाइम दे दो, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड कर लो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला पेपर लेना है और आपको माइंड में सेट कर लेना कि फिक्स 80 मिनट में मेरे को फर्स्ट पेपर 100% कंप्लीट करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो। ध्यान रखना, हम एक गलती और कर देते हैं, हमारे मन में रहता है कि आज मेरा कंप्यूटर बहुत स्ट्रांग है, फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेपर में कंप्यूटर ढूंढते फिरते हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन कहां से है। तो ध्यान रहे, फर्स्ट पेपर सारा का सारा मिक्स आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा कंप्यूटर का आ गया, तीसरा रिसर्च का आ गया, चौथा हायर एजुकेशन का आ गया, पांचवा रीजनिंग का आ गया, ऐसे मिक्स आते हैं। तो आप किसी स्पेशल को ढूंढने की कोशिश मत करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन से सिक्वेंस स्टार्ट करो, आगे बढ़ते जाओ 50वें क्वेश्चन तक ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कैसे सिक्वेंस में चलते जाओ बिना कोई स्पेशल क्वेश्चन को ढूंढे हुए। अब आपको यहां पर क्या करना है, पहले से स्टार्ट करो, 50वें तक चलना है। मैं एक राउंड शब्द का यूज कर रहा था कि पहला राउंड दूसरा राउंड, यहां पर राउंड का मतलब क्या है, पहला राउंड का मतलब है कि आपको पहले 1 से 50वें क्वेश्चन तक पहुंचना है और इसमें आपको वो सारे सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपको अच्छे से याद है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद है, जिनको आप 100% सही कर सकते हो, उन सारे सारे क्वेश्चनों को सोल्व करना है पहले राउंड में। और पहले राउंड को आपको टाइम देना है कितना, मात्र 80 मिनट तो दे रहे हो आप किसको, फर्स्ट पेपर को, पहले राउंड को आपको टाइम देना है ओनली 30 मिनट का। अब उसका कारण क्या है मैं बताता हूं, 30 मिनट क्यों देना है आपको, क्योंकि यहां पर वो पहले राउंड में हम उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो हमें आते हैं, और जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनको सोल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता, जाहिर सी बात है, जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनको सोल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो इसलिए हमें फर्स्ट राउंड ओनली 30 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद हम आएंगे सेकेंड लेवल में, सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन होंगे जिन्हें हमें समझना है, मतलब सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो टाइम चाहते हैं, जो सोल्व करने के लिए टाइम की डिमांड करते हैं। तो बाकी का जो आपके पास टाइम बचा हुआ है 50 मिनट, 50 मिनट में से 40 मिनट आपको देनी है कौन से राउंड को, सेकेंड राउंड को, ठीक है। और बाकी की जो 10 मिनट है वो आपको देनी है कौन से क्वेश्चनों को, जिनमें आप कंफ्यूज हो। तो मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि जिन क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज हो उनको आप साइड में लिख लेना, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके से। तो बाकी की जो 10 मिनट है आपको देनी है किसमें, जिन क्वेश्चनों को आप कंफ्यूज में हो, जो क्वेश्चन आपको याद है लेकिन उसका आंसर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लगता है कि यार मैं इस क्वेश्चन को सही कर सकता हूं, यदि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, तो वो टाइम आपको यहां कंज्यूम करना है। अब इसके अलावा मैं एक बात और बताता हूं जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। देखो फर्स्ट पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन लंबा होता है, 5-5, 6-6 लाइन का क्वेश्चन होता है। हम क्या करते हैं, देखो मैं समझाता हूं आपको, हमने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, 7 लाइन का क्वेश्चन था, सपोज डेट दूसरा क्वेश्चन है, 7 लाइन का क्वेश्चन है, उसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया और 1 मिनट में हम क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद हम उसको समझने लगे, उसको समझ रहे हैं और टोटल हमने टाइम खर्च कर दिया 1 मिनट 30 सेकेंड, मान के चल रहा हूं मैं, थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, ठीक है, और हमने उस क्वेश्चन को समझने में और पढ़ने में 1 मिनट और 30 सेकेंड का समय खर्च कर दिया। फिर हम सोच रहे हैं कि यार ये नहीं हो रहा सोल्व, इसको हम छोड़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर आप चले गए तीसरे क्वेश्चन पर, सपोज डेट ये दूसरा क्वेश्चन था, आप तीसरे क्वेश्चन पर पहुंच गए। अब आपने क्या किया, यहां पर दूसरे क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट वेस्ट कर दी, क्योंकि जब आप नेक्स्ट राउंड में आओगे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो फिर से आप ये 1.5 मिनट का टाइम लगाओगे किसमें, दूसरे क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ने में और उसको समझने में। तो दूसरा क्वेश्चन आपको कितना एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, 1.5 मिनट। तो मेरी मानो तो सबसे बेस्ट है आप जिस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और यदि आप उसको समझने में टाइम लगा दिए, तो मेरी पर्सनली राय तो यही है, आप उस क्वेश्चन से तब तक आगे मत बढ़ो जब तक इसका आंसर ना दे दो। भाई ये आपको आ रहा है तो आप सही आंसर दोगे, नहीं आ रहा तो तुक्का लगाओ आगे बढ़ो, जिससे कि यहां पर दोबारा टाइम ना देना पड़े, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में यदि आपने टाइम लगा दिया तो फिर उस क्वेश्चन को मत छोड़ो, उस क्वेश्चन को जो भी सही आंसर हो, जो भी गलत आंसर हो, जो भी तुक्का मारो वो मार के और फिर आगे निकलो, जिससे कि दोबारा उस क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। बाय चांस आपको ऐसा लग रहा है
यार ये दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर 100% ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ये अभी मेरे समझ से बाहर है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो फिर आप ऐसे करो जो वो साइड में बॉक्स बनाए थे उसमें डाल दो क्वेश्चन नंबर 2, जो ये फिर 10 मिनट का टाइम है उसको यूज करके और ये सही कर दो, ठीक है। तो ये हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं, 1-1.5 मिनट खर्च कर देते हैं और उसको बिना सोल्व किए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं, फिर वहां भी हम वही करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं समझते हैं फिर बिना सोल्व किए आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हम नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, नेक्स्ट राउंड पर आते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया, फिर पता चलता है दूसरा नहीं किया, फिर वापस उसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं, फिर पढ़ने और समझने में हम 1.5 मिनट का समय लेते हैं, ठीक है। तो हम कितना, यदि पेपर में हम ऐसे 5 क्वेश्चनों के साथ भी कर दिया तो सीधा सीधा हमने 7.5 मिनट वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जिस क्वेश्चन को आप टाइम दे रहे और वो आपको 100% याद नहीं है, आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन को समझ के सोल्व करूं, आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग है मैं इसको समझ के सोल्व कर सकता हूं, तो भाई थोड़ा सा टाइम और दे दो, भाई 1.5 मिनट तो दे दिया आपने, 20 सेकंड और दे दो, फिर भी 1 मिनट 10 सेकंड बचेंगे आपके पास, 20 सेकंड और दे दो, 1 मिनट 50 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करके आगे बढ़ो, ठीक है। इस तरीके से टाइम भी बचेगा, तो इस तरीके से पूरे पूरे पेपर को आप कंप्लीट करो, ऐसे ही आप सेकंड पेपर को कंप्लीट करो। उसके बाद आती है बात डीआई और पैसेज की, हम लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है, हम पेपर पूरा देखते हैं, जहां डीआई के क्वेश्चन आते हैं उनको हम स्किप कर देते हैं, जो पैसेज के क्वेश्चन आते हैं उनको हम स्किप कर देते हैं, और हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं डीआई और पैसेज को सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप भी ऐसे करते होंगे, सभी ऐसे करते हैं, डीआई पैसेज को सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। देखो यदि आपका डीआई बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको ऐसा लगता है कि मैं डीआई में 5 में से 5 क्वेश्चन कर सकता हूं, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं पैसेज में 5 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, तो कभी ऐसी गलती मत करना, आप उस पैसेज को तुरंत सॉल्व करो। सपोज दैट 40 आपको पहले से ये सेट है दिमाग में कि पैसेज मेरा बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, मैं पैसेज को 100% सही कर सकता हूं, या आपके दिमाग में पहले से यह बैठा हुआ कि मैं डीआई को 100% सही कर सकता हूं, पैसेज में थोड़ा सा कम टाइम चाहिए, मैं पैसेज को ज्यादा अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकता। कुछ लोगों का डीआई वीक रहता है, पैसेज स्ट्रॉन्ग होता है, उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि पैसेज में 5 में से 5 कर दूंगा लेकिन डीआई मेरा नहीं हो पाएगा, तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज दैट आपका डीआई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, डीआई पर आपको कॉन्फिडेंस है, और डीआई 30वें क्वेश्चन पर है, 30वां 31वां 32वां 33वां 34वां, ये डीआई के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको स्किप मत करो, यदि आपका डीआई स्ट्रॉन्ग है और डीआई बीच में आ गया 30वां 31वां 32वां 33वां 34वां क्वेश्चन, तो आप इसको अभी यही सोल्व करो, चाहे कितना भी टाइम लगे, क्योंकि इसको आप सही कर दोगे, यहां से आप पूरे पूरे नंबर ले आओगे। यदि आपका पैसेज स्ट्रॉन्ग है और पैसेज 33वें, मान लो पैसेज 35वां 36वां 37वां 38वां 39वां, ये पैसेज के क्वेश्चन है, और आपको ऐसे लगता है कि मैं पैसेज को 100% सही कर सकता हूं, डीआई में मेरा काम नहीं चलेगा, तो इस डीआई के क्वेश्चनों को छोड़ दो लास्ट में सोल्व करने के लिए, और इस पैसेज को तुरंत सोल्व कर दो, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा है, आप यहां टाइम देकर बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हो, जहां पर आप टाइम खर्च करके पूरे पूरे सही कर सकते हो, क्योंकि टाइम का पता नहीं होता लास्ट में, बहुत सारी बार ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं बचता, इसलिए हम डीआई में और पैसेज में दोनों में तुक्का लगाकर आ जाते हैं, बहुत सारी बार होता है ऐसा, टाइम ना बच पाने की वजह से डीआई पैसेज में तुक्का लगा के आ जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि डीआई तो बहुत ही सिंपल आया था, मैं चाहता तो डीआई को 100% ठीक कर सकता था, फिर बैठ के रोते हैं कि यार मैंने टाइम नहीं दिया उस टाइम डीआई को, ठीक है। तो पढ़ के देखो, दाव चले तो तुरंत सोल्व करो, लग रहा है नहीं चलेगा दाव फिर पेंडिंग में छोड़ो, टाइम बचेगा तो तुक्का मार देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक बहुत ही सही ढंग से मैनेज करो टाइम को, पानी की बोतल साथ रखो, माइंड को बिल्कुल शांत रखो, चित्त को बिल्कुल शांत रखो, गजब तरीके से रिलैक्स होकर, और उस टाइम आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, आपको ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना है कि मेरे को बहुत अच्छा स्कोर करना है, मेरे को जेएफ निकालना है, नेट निकालना है, नहीं, पेपर से पहले बहुत बार सोचो, पेपर देने के तुरंत बाद सोच लो चाहे, लेकिन उस टाइम आपको कोई भी एक्स्ट्रा थॉट नहीं सोचनी है, कोई भी भार की चिंता नहीं करनी है, केवल पेपर पर फोकस रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप पेपर को सोल्व करते हो तो हो सकता है कुछ अच्छा स्कोर कर जाओगे,
बिल्कुल इसी तरीके से दो राउंड में आपको अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। जैसे ये 100 मिनट है, 100 मिनट में आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सोल्व कर दो, दो राउंड लगाकर। पहला राउंड वो जिसमें आपको सारे सारे क्वेश्चन याद है, पहले राउंड में वो क्वेश्चन शामिल करने हैं जो आपको 100% याद है, जो किसी भी हाल में गलत नहीं हो सकते। दूसरे राउंड में वो जिनमें तुक्का लगाना है जो आपको कम याद है, और तीसरा राउंड जो ये 10 मिनट का बचा था ऐसे आपको यहां पर भी 10 मिनट बचानी है और उसमें वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो, जिनको आपने यहां पर लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा पूरा पेपर बहुत शानदार तरीके से सोल्व कर सकते हो और पूरा टाइम मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।